देश के जनोन्मुखी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भोपाल शहर में मेट्रो रेल सेवा लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कमलनाथ सरकार की इस दूरदर्शी योजना से निश्चित ही भोपाल का शहरी लोक परिवहन तेज, आरामदायक और व्यवस्थित बनेगा। भोपाल मेट्रो के प्रथम चरण में 2 कॉरिडोर विकसित होंगे। पर्पल कॉरिडोर 14.99 किलोमीटर और रेड कॉरिडोर 12.88 किलोमीटर लंबा होगा। पर्पल कॉरिडोर जो पहले करोन से लेकर एम्स तक बनाया जाना तय था, अब उसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एयरपोर्ट तक बढ़ाया जा रहा है। इस रूट के मुख्य स्टेशन डीआईजी बंगला, बोगदा पुल, एमपी नगर एवं हबीबगंज स्टेशनों के साथ कुल 16 स्टेशनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। पर्पल कॉरिडोर पर मेट्रो रेल नादरा बस स्टैंड से भोपाल रेलवे स्टेशन होती हुई 1.79 किलोमीटर की दूरी भूमिगत तय करेगी, जबकि 13.2 किलोमीटर ये कॉरिडोर एलिवेटेड रहेगा। रेड कॉरिडोर शहर के दक्षिण पश्चिम में भदभदा से होकर मुख्य स्थानों जवाहर चौक, रोशनपुरा, लिली टॉकीज, पुल बोगदा एवं गोविंदपुरा को जोड़ते हुए पूर्व में रत्नागिरी तिराहे के मध्य चलेगी, जिसमें कुल 14 स्टेशन समाहित होंगे। लगभग 12.88 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर मेट्रो रेल एलिवेटेड चलेगी। भोपाल मेट्रो कॉरिडोर के साथ टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को भी एक नई दिशा मिलेगी, जो स्मार्ट सिटी भोपाल के लिए लाभकारी साबित होगी। इस परियोजना से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और रोड एक्सीडेंट, प्रदूषण सहित बाधित यातायात जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। नई तकनीकों और आधुनिकीकरण को ध्यान रखते हुए भोपाल मेट्रो रेल में अत्याधुनिक स्टेशन, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, लिफ्ट, एस्केलेटर के निर्माण तथा आपूर्ति के साथ संचालन और रखरखाव को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों पर सुविधाओं का विकास समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। भोपाल मेट्रो रेल का संचालन वर्ष 2023 तक शुरू हो जाएगा, जिससे लगभग